उसके एग्रीमेंट्स करने हैं, उनका प्रॉपर उनसे कोई ट्रेडर चीटिंग ना कर दे, उनकी कीमतें उनको मिले, नए छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगे, ये भी एक स्पेस है। कोई जरूरी नहीं लड़ाई के ऊपर में हो। लीगल जो है हमारे कॉर्पोरेट लॉज भी होते हैं, आज की डेट में तो बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट लॉयर्स रखती है, यूनिवर्सिटीज में काम हीरो चेयर क्रिएट कर रहे हैं। हमारे भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कैसे हम, और एक्सप्लॉयटेशन का लेवल तो है ही जरूरी है, लेकिन इसको कैसे हम करें कि ये जो गांव का किसान है उसको भी थोड़ा वैल्यू मिलने लगे, जबकि वो मेहनत कर रहा है, उसका वो पेड़ पौधे लगा रहा है, वो हमारे लिए खेती कर रहा है, वो फल उगा रहा है, लेकिन उसको उसका हक नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया सेब का एक उदाहरण, इसको स्टडी करिएगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो हम काम कर सकते हैं, अभी हम कर नहीं रहे। हमारे पहाड़ों में इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतनी जड़ी बूटियां हैं, हमको पता ही नहीं कौन सी जड़ी बूटी कहां पे किस काम आती है। तो ये हमारा नेचुरल वेस्ट कितना हो गया। हमारे शरीर में ताकत है और हमें पता ही नहीं कि उसमें ताकत है, हमारे गांव में ताकत है, हमारे जंगलों में ताकत है, और हम सिर्फ बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। तो बहुत अच्छा हुआ कि कोविड पीरियड आया है जिसकी वजह से थोड़ा थम गया, वरना कोई आदमी गांव में रुकना नहीं चाहता। अब धीरे धीरे गांव की तरफ कई लोग वापस आए हैं, उनको मालूम है शहरों में अब दिक्कत हो रही है, आ गए। और यहां पे आने के बाद उन्होंने देखा रही यहां तो शांति है, यहां पे पूरा इतना बढ़िया एनवायरमेंट है, आपका तो बहुत अच्छा कैंपस है। मैं गया था वहां पे, कौन सा है, गौतम, हमीरपुर में गौतम कॉलेज, उनके घुसने की जगह नहीं गई। तो स्टूडेंट्स को अगर चॉइस हो कैसे कैंपस में जाएगी, मेरे ख्याल से अगर एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, वातावरण बढ़िया होना चाहिए, ऐसी जगह पे बच्चा जाएगा। तो वो शहर और ये रूरल, अभी एक प्रेजेंटेशन मनोज जी शेयर कर देंगे टीचर्स को, जो भी हमारे लेक्चरर्स हैं वो आपको सबको शेयर कर देंगे, उसको पढ़िए, कामधेनु चेयर से जुड़ने की कोशिश करिए और 3615 ग्राम पंचायतों में अपनी स्पेसिंग क्रिएट करो। क्योंकि हम 10,000 बच्चों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जोड़ना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान हो, हम अलग अलग सेक्टर से सोच रहे हैं कहां से हो सकता है। उनको लीगल व्यक्ति की जरूरत होगी, अपने एग्रीमेंट्स बनाने हैं, एमओयूज बनाने हैं, बहुत सारे, क्योंकि उसमें लीगैलिटीज होती है। जरा सा मालूम चला एक शब्द में इधर उधर हो गया डिसीजन मेकिंग में, राइटिंग में, तो केस कहीं का कहीं पहुंच जाता है। FIR में गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो मालूम चला वो जमानत नहीं होती है, अगर जरा सा उधर हो गया क्या मालूम चला जो फंस के कुछ भी आया। इस पे थोड़ा सा चिंतन करें और अपने स्पेस को क्रिएट करें, इतना ही मेरा आपसे कहना है। प्रेजेंटेशन को पढ़े और अपने स्पेस को, ये जो 3615 ग्राम पंचायत है इसमें अपनी स्पेस, आप बाकी कुछ भी करो, उड़ो, क्योंकि उड़ना है नेचुरली, उसमें कोई रुकावट नहीं, लेकिन वो जहां से हम आ रहे हैं या जो भी हमारे आसपास में है उस ग्राम पंचायत को भी उठने का हम मौका दें। आप पढ़े लिखे हैं, अब आप लॉयर्स बन जाएंगे, कुछ लोग LLM करेंगे, कुछ PhD करेंगे, कुछ जजेस भी बन सकते हैं, तो अगर हम अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे माइंडसेट से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वही भारत की कल्पना लेकर के हम लोगों को विश्व गुरु भारत की तरफ बढ़ना चाहिए। कल सोचा आपने कि अदालतें बंद हो गई, अब क्या करेंगे, डिग्री हाथ में, हाँ जी बोलो, देश बोलो, क्या दिक्कत है, नया क्या बनेगा, नहीं अदालत ही बंद हो गई, मुकदमे खत्म हो गए, केस खत्म हो गए, सारे पीसफुल हो गए, अब कोई झगड़े ही नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो सकता, होने के तो गया है। क्या आप नहीं चाहोगे कि सारे मुकदमे खत्म हो जाए, एकदम पीसफुल हो जाए, क्यों कहते थे सुनाई नहीं दिया, हो सकता है इसको कौन सी दिक्कत है, पहले तो कैंडिडेट तब का बढ़ रहा है नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है,
एक आइडियल कंडीशन आ जाए, भारत विश्वगुरु भारत बनने की तरफ चल रहा है, आप जैसे समझदार लोग आ जाएं और कहें कि मुकदमे भी खत्म हो गए, अब क्या होगा? सोचा नहीं किसी ने, कोविड पीरियड सोचा था कोरोना आ जाएगा, घर बैठना पड़ेगा, आ गया। एक तो हमारा क्या है, पूरा जो देश है अदालतों का बड़ा विचित्र सिस्टम है। यहां पे आप लोगों ने तो भी अदालतें कम देखी होंगी, ये मूट वाली जरूर देख ली है, ठीक है। सबसे बुरा हाल हमारे लोअर कोर्ट्स का है, जो तहसीलें हैं। ये तहसील में कभी गए कोई आप लोग? फाइनल ईयर वाले गए होंगे, क्या और भी गए? आप लोग भी गए नहीं? कभी तहसील में जाओ और तहसील में देखो कि वहां पे क्लाइंट्स का क्या बुरा हाल है। आप वकील की तरफ से मत देखो, क्लाइंट की तरफ से देखा शुरू करो। क्या डॉक्टर को क्या होना चाहिए? डॉक्टर ये सोचना चाहिए कि सारे मरीज रहे तो बहुत अच्छा है। वकीलों ने सोचना चाहिए कि सब मुकदमे ही मुकदमे रहे, अपना धरा पूरा एकदम फुल रहे, मामला भीड़ी लाइन लगी रहे हमारे कोर्ट में। ये सॉल्विंग के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये अल्टीमेटली खुद भी प्रॉब्लम हो गई है और इसको सुलझाने का काम भी हमारा ही है। एज ए प्रोफेशन लेना है, कैरियर बनाना है, लेकिन ये भी सोचना है कि क्या ये मुकदमे सुलझाए जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मुकदमे होते हैं छोटे छोटे जो जरा सी, यहां पे हिमाचल का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे यूपी बिहार में तो जरा सी मेड़ होती है खेत की, उसके ऊपर मर्डर हो जाता है। मेड़ होती है, मेड़ जाते हैं, यहां पे मेड़ ही बोलते हैं आप, क्या क्या बोलते हैं? बीड़। बीड़ जो बीच में खेतों को बांटता है, तो ये जो बीड़ है इसके ऊपर मर्डर हो जाता है भाइयों में, रिश्तेदारों में, पटीदार। पटीदार समझते हैं आप क्या क्या बोलते हैं पटीदारों में? पटीदार का मतलब हो गया चाचा ताऊ, वो जो सब होते हैं परिवार के, तो उनको पटीदार बोलते हैं। यहां होते रिलेशन है लेकिन वो उसको पटीदार होते हैं। शायद पट्टेदार रहा होगा कि एक पट्टे में उनका डिवीजन होगा, बाद में पट्टीदार ना हो, ऐसा हो गया होगा कुछ तो। मर्डर ना समझी, कभी इस पे अपन ने सोचा क्या? अच्छा, कितने लोग अपनी मर्जी से वकील बनने के लिए आए? अपनी मर्जी से, मतलब आपको इतनी समझ आ गई थी, या पेरेंट्स ने बोला, या खुद ही लगा? खुद लगा। क्यों ऐसा लगा? कि प्रोफेशन हमको ल्यूक्रेटिव लगा, या क्यों ऐसा, कैसा लगा? प्रोफेशन ठीक लगा। हम यहां पे जो आए हुए हैं, हम लोग हिमाचल प्रदेश में, हमारे कंट्री की प्रॉब्लम क्या है? कंट्री की प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और काम करने वाले कम होते जा रहे हैं। खेत है, खेत में काम करने वाले लोग नहीं है, गांव खाली होते जा रहे हैं। जब गांव खाली हो रहे हैं तो कल को प्रोडक्टिविटी कहां से होगी? राष्ट्र तो वहीं से आएगा, थैंक यू, फल वहीं से आएंगे, वेजिटेबल्स वहीं से आएंगे, फ्रूट्स वहीं से आएंगे, शुद्ध वायु भी वहीं से आएंगे। अगर हम उसको खत्म कर देंगे, जैसे भी हिमाचल आज की डेट में अपनी हवा ब्लॉक कर रही है, हम हमने यहां से आगे हवा ही नहीं देनी, दीवार ऊंची खड़ी कर दे जहां तक आसमान है, सब हमने नहीं देनी हवा, चंडीगढ़ मर जाएगा। ये जो हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का पोर्शन है ना, ये सारे एकदम खत्म। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी दीवार लगा दें, हवा ब्लॉक कर दें? क्यों ऐसे लेंगे फिर उसके? भाई हमारी हवा, हमारा पानी, हमारा शुद्ध, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहां जंगल है और तुमने अपने काट दिए, अब हमारे जंगल के भरोसे तुम रह रहे हो? गांव अपना पैसा नहीं ले सकता क्या? ले सकता है, नहीं ले सकता? क्या आप ये मुकदमा नहीं कर सकते कि भाई आपने गांव का क्यों ले लिया? हमारे 3615 ग्राम पंचायतें,
अगर एक अच्छा वकील ग्राम पंचायत के संरक्षण में लग जाए, ग्राम पंचायत हमारा थ्री टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, अगर हम एक वकील, अगर किसी गांव में एक अच्छा पढ़ा लिखा वकील हो तो उस गांव में ना तो मुकदमे होंगे ना उस गांव के खिलाफ कोई उसमें जातियां कर पाएगा। आप अपने चार्जेस लो, कोई दिक्कत नहीं है, गांव वाले आपको देंगे, कोई कद्दू लाएगा, कोई कटहल लाएगा, कोई वो लाएगा, कोई आपकी सेवा करेगा, दूध देगा कोई, लेकिन आपने कहना है कि तुम्हारा जो जायज है वो तुमको मिलेगा। क्या हम ऐसे वकील बन सकते? गांव का सामान नहीं बिक रहा है या गांव का सामान सस्ते में किसी ने खरीद लिया, जैसे मुझे थोड़ा बहुत पता लगा कि पहले यहां पे छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज थे जहां पे सेब रखे जाते थे, फिर बाद में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज का ग्रुप आ गया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उन लोगों ने पहले अच्छी कीमतों में सेब किए, फिर बाद में ये छोटे वाले मर गए तो उन्होंने सस्ते में लेने शुरू कर दिए। किसानों के पास चॉइस नहीं थी, बड़े वालों ने सस्ते में लिए, किसान को नुकसान होने लगा, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई भी वकील नहीं खड़ा हुआ, कोई भी गांव वालों के, किसानों के या जो भी हमारे ऑर्चर्ड्स देखते थे उनको संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसी बहुत सारी चीजें पास्ट में होती रही हैं, फ्यूचर में भी होगी। यहां पे एक स्पेस क्रिएट होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, जहां से हम वकालत करने के बाद कानून, क्योंकि वकील क्या होता है, वकील एक्चुअल में सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वकील को सैलरी तो मिलती नहीं है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म कि हमने, और फिर वहां पे हमने अपनी स्पेस क्रिएट करके एक्सप्लॉयटेशन के बजाय, एक होता है कि वकील अपने क्लाइंट की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स करते हैं, उनको कोविड पीरियड में बॉडी पार्ट निकाल लिया, जबरदस्ती उसको कोविड टेस्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती मेडिसिन और वो सब कर रहे हैं, किया है ये प्रोफेशन, तो उसको वो सिर्फ पैसा देता है, उसको इससे मतलब नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये इंसान है, कोई नहीं देखा, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंसानियत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो 3615 ग्राम पंचायत है, एक तो रूरल इंडिया में 3600 जो अपने ग्राम पंचायत हैं अराउंड है और 20,000 के आसपास गांव है, उसमें बीइंग ए लोअर आपकी स्पेस कहां रहेगी, ये इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन आया हो किसी नहीं है। दूसरा सबने बोला क्रिएशन ऑफ सीईओ, हम एक ग्राम पंचायत में चाह रहे हैं 10,000 लोग, उसके ऊपर भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। और सबने ये बोला कि हम 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, उस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों से ये उम्मीद नहीं है कि थर्ड फोर्थ में जो बच्चे हैं आई थिंक वो थोड़े शार्प हो जाने चाहिए। स्कोप लॉयर का क्या क्या बनाया गया, मुझसे बीइंग ए लॉयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री स्कोप कहां कहां है, सबने अपने चॉइस से लिया है, किसी को फोर्स नहीं किया हुआ है इस फोर्स के लिए, क्योंकि बड़ा टफ है एक एक चीज को याद करना, बारे में कोई बताएगा कि लॉयर क्यों बनना चाहते हैं हम, स्कोप क्या है हमारे पास, सबकी चॉइस है फोर्स है। फर्स्ट ईयर वाले बताइए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया है काफी सोच समझ के लिया होगा, इस फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे, चलिए बताइए, वही अपॉर्चुनिटीज दूसरों में क्या है, पर लॉयर इज द वॉइस नहीं हुई, सुना सबको बोलो ने तो जज जो है उसे समझ में नहीं आएगा क्या मेरे कहा इससे आपके शब्दों से पता लगता है आपने ये अच्छी बात है, एक यूनिटी मेजोरिटी होनी अच्छी बात है, इससे पता लगता है कि आपने डिग्री के लिए ऑप्ट किया है लेकिन यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क, बेटर नेक्स्ट
फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले एक एक करके बोलते रहे लॉट्स ऑफ पॉजिटिव व्हाट डू यू मैम मुझे आप किसके किसने हैं सर हम इसमें जज के लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं कुछ अब्रॉड में भी जॉब्स होती है प्राइवेट सेक्टर में क्या स्कोप है कंपनीज में क्या कंपनीज में क्या रोल होता है एक लॉयर का सर उनको हर कंपनी के लिए एडवोकेट चाहिए होता है जैसे उनके जो लीगल मामले होते हैं उनको सुलझाए सर इतने कम होते हैं फॉरेन होते हैं सर क्या होता है चलो सर आप ना बता पाओ आगे थर्ड फोर्थ वाले बताइए चलिए आगे नेक्स्ट फर्स्ट सर एडवोकेट जो लीगल एडवाइजर कॉर्पोरेट वाले क्या कहते हैं सर आई एम नॉट अवेयर और कौन बताएगा कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में कोई बताए ही इज नॉट अवेयर कोई बताए कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में बहुत बड़ा वास आई थिंक सोचता स्कोप इसी के अंदर हम कोर्ट में ना बैठ गए हम अपने कॉर्पोरेट फर्म अपने खुद के एस्टेब्लिश करें या किसी के साथ एसोसिएट हो जाए सबसे ज्यादा स्कोप इसी के अंदर है कंपनी सेक्रेटरी होता है ऑलरेडी उसका कोर्स भी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लॉयर ही उसको अब तक चला रहे उस डिपार्टमेंट में और कोई कुछ बताएगा सो जो तीन पॉइंट सबने रेज किए थे आप लोगों को दिए उसके ऊपर कुछ नहीं पूछा है एक तो हम अपनी ग्राम पंचायतों को बी अब एंटरप्राइज के रूप में फ्यूचर में देखने लगे थे और अगर आपको देखना चाहिए आज हमारी ग्राम पंचायत भी एक एंटरप्राइज है और उसमें 29 सब्जेक्ट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड तो जब आप उसको एज एंटरप्राइज देखोगे तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कॉर्पोरेट लॉयर होता है उसका काम होता है मानी कि जो बिजनेस हाउस है उसके लिए काम होगा लीगल एक एंगल है उसके एमओयू उसके एग्रीमेंट्स और उसके लिए कई बार जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया तो नए वहां के लॉज को पढ़ना फॉर एग्जाम्पल हमें कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है यूरोप में तो यूरोपियन लॉ भी हमें समझने की जरूरत है ठीक है नहीं जब वहां पर क्योंकि जब हम दूसरे कंट्री को पढ़ते हैं तो उनके एग्रीमेंट वहां के लीगैलिटीज अलग होते हैं ये भी कॉर्पोरेट लॉयर का एक काम होता है लीगल तो होता है लीगल एक छोटा एंगल होता है लेकिन उसके बाद मार्केटिंग होती है नए प्रोडक्ट होते हैं नई प्लानिंग होती है रादर अगर वकील ठीक से एज ए सीईओ काम करने लगे कॉर्पोरेट में तो उसकी पोजीशनिंग बहुत अलग तरीके से हो सकती है बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं बस इतना हो गया बहुत है वो प्लान करके बता सकता है कि साहब हमें यहां काम करना चाहिए इस कंट्री में ज्यादा स्कोप है यहां पे हमें बहुत सारे स्मार्ट लॉयर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट यहां पे जाने से हमको ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि यहां की लीगैलिटीज कम है या फिर यहां पे इस कंट्री में हमको गवर्नमेंट ज्यादा बेनिफिट दे रही है जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट अलग अलग इंसेंटिव देती है गारमेंट में अलग इंसेंटिव है हैंडीक्राफ्ट में अलग है फुटप्रिंट्स में अलग इंसेंटिव है तो ये जब लॉयर पढ़ता है तो ये कॉर्पोरेट अपने जो उसकी कंपनी है उसको ब्रीफ करता है उसके लिए फ्रेम करता है उसके अकॉर्डिंगली उसको गाइड करता है क्योंकि मैनेजमेंट को सब कुछ पता हो ये जरूरी नहीं है इसीलिए वो एक्सपर्ट सकता है अलग अलग तो एक तो करें हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं लेकिन हिमाचल प्रदेश कैसे एक डेवलप्ड स्टेट हो जाए एक प्रॉमिसिंग स्टेट हो हमारा जो स्कोप है टूरिज्म बहुत बड़ा स्कोप है अभी एक्सप्लोर हुआ नहीं है पूरा हम लोग भाग रहे हैं स्विट्जरलैंड इधर उधर भागते हैं हिमाचल की बर्फे भी वैसी है जैसी वहां पे आ चुके हैं तो पहाड़ी है वहां पे सेम तो फर्क हो क्या फर्क पड़ा होगा तो कुछ वकील इसमें भी काम कर सकते हैं कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि भाई हमारा गांव कैसे बढ़ेगा ठीक है थैंक यू वेरी मच